हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए हम एक वाशिंग मशीन का आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है। देख लीजिए, जो कि फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन आता है, इसका अनबॉक्सिंग करके ऑल इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो शॉप है, ये शॉप का नाम हो गया ओम शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, जो कि आपको एड्रेस हो गया इसका रोसड़ा नंद चौक, डिस्ट्रिक्ट हो गया इनका समस्तीपुर, पिन कोड हो गया 848210। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसे मंगवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप हम डाल देंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लेते हैं, यहाँ से परचेस करते हैं, तो डिस्काउंट पर से भी आपको 5% डिस्काउंट इस पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसका ऑल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं, इसमें क्या कैसे है, कैसा फंक्शन है, जो कि LG का है और फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है टॉप लोड में, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है, देखिए ये जो है मॉडल नंबर T7288NDLA, ठीक है। इसका देखिए MRP जो अभी लेटेस्ट MRP दिया हुआ है 18,490, ठीक है। इसका इनपुट वाटेज है 230 वाट, ठीक है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो देख लीजिए इसका लुक कैसा है। ये बैक लुक है, यहाँ पे आपको पावर कॉर्ड मिल जाता है सपोर्टेड, और ये जो दिख रहा है वाटर इनलेट के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये जो नीचे देख रहे हैं, ये वाटर आउटलेट के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये पीछे पूरा जो है टीन का लगा हुआ है, कवरिंग किया हुआ है, ठीक। अब फ्रंट लुक भी आप देख लीजिए। और ये जो है ऑटो रीस्टार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें आपको स्मार्ट इन्वर्टर मोटर लगा हुआ है और इसमें 10 साल का वारंटी आपको मिल जाएगा। 10 ईयर इसमें वारंटी रहता है इसका मोटर का, जो कि होम सर्विस है। 10 ईयर वारंटी ऑन मोटर, ठीक है, जो कि होम सर्विस है। और इसमें 2 ईयर जो वारंटी रहेगा ऑल प्रोडक्ट होम सर्विस। आप देख लीजिए इसका फ्रंट लुक कैसा है, टॉप लोड टॉप लुक में देख लीजिए क्या क्या आपको दिया गया है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर बता दिए दिया गया है। 6.2 kg इसका टैंक कैपेसिटी है। ये जो टैंक है इसका कैपेसिटी आपको 6.2 kg टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और ये जो है टर्बो ड्रम, ठीक है, विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। आपको ये इन्वर्टर पर भी चलेगा। इसमें आपको वीफर का ऑप्शन मिल जाता है, वाटर लेवल, वाश, रेंस, स्पिन, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, डेली, पावर बटन, स्टार्ट, पोज बटन, स्मार्ट डायगोनिस सिस्टम प्लस आपको इसमें मिलता है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या दिया जाता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए ये इसका टैंक है, ठीक है। टैंक में आपको एक देखिए, ये एक LG की तरफ से आपको मैनुअल गाइड आया, इसमें वारंटी पेपर भी आपको मिल गया, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन गार्ड है, जो कि नीचे लगता है। प्रोटेक्शन गार्ड के बाद आपको ये एक वाटर इनलेट पाइप है, ये जो देख रहे हैं वाटर इनलेट पाइप, वाटर इसमें पानी लेने के लिए वाटर इनलेट पाइप हो गया।
और ये जो मोटा वाला पाइप देख रहे हैं ये वाटर आउटलेट जो बता दिए थे पीछे, जिससे पानी इस टैंक में जो गंदा पानी होगा वो बाहर निकालने के लिए ये वाटर आउटलेट पाइप हो गया। और इसके साथ एक डिटर्जेंट भी आपको दिया जा रहा है, देख लीजिए ये अंदर में जो दिया गया है एरियल की तरफ से, ये डिटर्जेंट भी आपको इसमें फ्री मिल रहा है, ठीक है। ये तो पूरा सेट आपको इसमें फ्री दिया जा रहा है जो कि कंपनी की तरफ से है, और इसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपके घर पे जाएगा कंपनी का बंदा। और टैंक दिस, ये टैंक इसका काफ़ी बेहतर दिख रहा है हमको। और ये जो देख रहे हैं टैंक, ये स्टील का है और इसमें देख रहे हैं उभरा हुआ भाग बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जिससे क्या होगा आपका कपड़ा जो है बहुत ही बेहतर तरीका से वॉश होगा, ठीक है। और ये जो है यही रोटेशन करता है, देख लीजिए यही रोटेशन करता है कपड़ा वॉश करते वक्त, और कपड़ा ड्राई करते वक्त ये पूरा रोटेशन करता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं एक, इससे इसे मैजिक फिल्टर बोला जाता है, वो भी हम बता देते हैं आपको। इसे खोल के आप साफ भी कर सकते हैं, देखिए इसे मैजिक फिल्टर बोला जाता है। जो भी डस्ट इसमें होगा, जो भी गंदा साफ जब कपड़ा वॉश कीजिएगा इसमें जो भी छोटा सा कण होगा वो सब इसमें जाके जमा हो जाएगा, इसे आप साफ कर सकते हैं आसानी से। इसे मैजिक फिल्टर बोला जाता है, इसे आप सेटिंग भी आराम से कर सकते हैं। इसे कीजिए, देखिए सेट हो गया। और यहाँ पे आपको डिटर्जेंट डालने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं और लिक्विड भी डाल सकते हैं। हमारा डिटर्जेंट डालने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है, अलग से लिक्विड डालने का आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, ठीक। और ये जो डोर है इसमें टफन ग्लास लगा हुआ है, टफन ग्लास के साथ आपको ये सॉफ्ट फिलिंग डोर मिल रहा है, देख रहे हैं सॉफ्ट फिलिंग डोर आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको ऊपर कर दीजिएगा तो ये आपको देख रहे हैं धीरे धीरे से नीचे आएगा, और लुक काफ़ी बेहतर हमको दिखने में लग रहा है इसका, देखिए एलजी का डायमंड ग्लास है, ठीक है एलजी का डायमंड देख लीजिए। तो और इसका फंक्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं, इसमें स्टॉक का ऑप्शन मिल जाता है वॉश रेंस स्पिन, ठीक है। बिफर का बिफर देखिए, जैसे आपका कपड़ा जब वॉश हो जाएगा इसका उपयोग करना। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसका ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है, आपका कपड़ा कैसा है। इसमें प्रोग्राम वन प्रोग्राम टू मिलता है, नॉर्मल जेंटिल क्विक वॉश स्ट्रॉन्ग कपड़ा है, नॉर्मल है एक्वा रिसीवर फेवरेट टब क्लीन, टब क्लीन का भी ऑप्शन आपको अलग से इसमें दिया गया है, स्टार पोज पावर, ठीक है। सबसे पहले पावर बटन आप पोज कीजिएगा, लाइट जब इसमें पावर केबल लगाइएगा पावर कोड, तो इसमें पावर बटन क्लिक करने के बाद आपका कपड़ा कैसा है, जैसे नॉर्मल कपड़ा है जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं तो नॉर्मल पर दीजिएगा, जेंटिल जो सॉफ्ट कपड़ा है उसके लिए क्विक वॉश, जैसे आपका कपड़ा कम गंदा है तो क्विक वॉश, आपको स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ आपको प्रोग्राम बटन पुश करते जाना है या आपका काम करते जाएगा। आप प्रोग्राम टू में देखिए प्री वॉश प्लस में नॉर्मल, तो नॉर्मल एक्वा रिसीवर मतलब ये कर सकते हैं, इसमें आप पानी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। फेवरेट जो है फेवरेट कपड़ा उसके लिए टब क्लीन जो है, टब क्लीन जैसे इसमें जब आप कपड़ा वॉश कीजिएगा तो इसमें जो भी गंदा पानी होगा, जब कपड़ा वॉश करने के बाद जो भी गंदा पानी होगा वो बाहर निकालने के लिए ये आप यहाँ पे जो है आपको टब क्लीन का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, तो ये टब जो है अच्छी तरीके से वॉश हो जाएगा वॉश टैंक आपका। तो टब क्लीन के लिए आप इस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, सिर्फ ये प्रोग्राम बस बटन पुश करते जाइएगा। आपको इसमें एक ऑप्शन और मिल जाता है डेली का, डेली में जैसे ये कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप कभी कभी घर पर रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पार्टी पे जाना है, पार्टी में जाना है, आप चाहते हैं जब तक आप जाएं तो आपका कपड़ा वॉश होके रखा रहे, ठीक है, वॉश हो जाए आपका कपड़ा वॉश हो जाए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं डेली बटन का सेलेक्ट कर सकते हैं। डेली में ये होगा जैसे चाहते हैं आपका कपड़ा 2 से 4 घंटा बाद वॉश हो या 6 घंटा बाद वॉश हो, तो इस पर उतना आवर सेटिंग कर दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करते जाइएगा तो उतना घंटा के बाद जो है ये आपको कपड़ा जो है आपका वॉश करके रख देगा, ठीक है। तो प्रोग्राम के बारे में बता दिए, स्पिन टाइमर, हम देखिए स्पिन का उपयोग कब होता है,
हाई मीडियम लो स्पिन, जैसे पानी जब आपको इसमें पानी निचोड़ना हो तो हाई मीडियम लो इसका सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और रेंस का सॉरी स्पिन में जब कपड़ा सुखाना हो और रेंस का जब उसमें से पानी निचोड़ना हो तो इसमें भी है 1, 2, 3 आइटम्स जितना है उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। वाश में, वाश में जैसे देख लीजिए इसमें मिनट सेटिंग करना पड़ेगा कितना मिनट, वैसे तो ये ऑटो सेलेक्ट कर लेता है कपड़ा डालने के बाद, जैसे आप सेव कर दीजिएगा, मार लीजिए आपका कपड़ा स्ट्रॉन्ग है तो कितना मिनट लेगा यहाँ पे आपको डिस्प्ले पर शो कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैनुअल वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 मिनट, 10, 18, 6, 15, 25 मिनट जो भी मिनट सेटिंग करना है वो भी आप कर सकते हैं। वाटर लेवल जो है ऑटो सेलेक्ट भी हो जाएगा, जैसे इसमें कपड़ा डाल दीजिएगा, इससे कपड़ा डालने के बाद इसमें उसका एक बार घूमेगा, उसके बाद एक बार रोटेशन करने के बाद कपड़ा का वेट कर लेगा, सेंस कर लेगा उसके बाद कितना इसको पानी चाहिए, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, इसीलिए इसे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहते हैं, ठीक। तो और नहीं अगर आप चाहते हैं मैनुअल तो मैनुअल भी दे सकते हैं, ठीक है, वाटर लेवल के अनुसार। इधर आपको डिटर्जेंट कितना डालना है वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बीफर का बता दिया हाई लो कैसे करना है। अब यहाँ पे सॉक वाश रेंस स्पिन, आप चाहते हैं सिर्फ पानी उसमें से निचोड़े, आप चाहते हैं सॉक वाश स्पिन चारों पर सेलेक्ट कर दीजिएगा तो आपका कपड़ा साफ हो जाएगा, वाश हो चुका होगा, स्पिन हो चुका होगा और ड्राई भी हो चुका होगा, ठीक है। स्मार्ट डायगोनस सिस्टम इसमें दिया गया है, इसमें ये होता है जैसे अगर ये वॉशिंग मशीन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो एक मोबाइल में जो इसका ऐप है स्मार्ट डायगोनस उसको डाउनलोड करके टेक्नीशियन आपको यहाँ पर अगर सटाने के बाद पता लग जाएगा इस वॉशिंग मशीन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप पावर बटन देखिए, सबसे पहले आप कपड़ा डालने के बाद हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, पावर बटन दबा के इसमें कपड़ा डाल दीजिएगा और प्रोग्राम सेटअप कर लीजिएगा, प्रोग्राम 1 या प्रोग्राम 2 सेटअप कर लीजिएगा जिस प्रकार का कपड़ा है, उसके बाद बस इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, ये आपको मशीन चालू हो जाएगा और डिटर्जेंट यहाँ पे डाल दीजिएगा अपना, ठीक। और इसका टोटल लोड कैपेसिटी हो गया आपको 6.2 kg, ये टफेन ग्लास है नहीं फूटेगा, देख रहे हैं डायमंड के जैसा शेप दिया गया है। तो ये वॉशिंग मशीन आप परचेस कर सकते हैं और इसके इसका जब भी आपको प्राइस चेक करना हो तो इसका हम मॉडल आपको बता देते हैं, इसका मॉडल है देखिए यहाँ पर दिया गया है, जब भी ऑनलाइन प्राइस चेक करना हो तो इसका मॉडल है T7088NDLA, ठीक है, T7288NDDLA, ठीक है, ये मॉडल है। इसका MRP भी हम बता दिए थे, अगर आप यहां से परचेस कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट पर भी 5 से 10% डिस्काउंट और दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, उस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।